फैज है और उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। डॉक्टर साहब अभी है नहीं, 7 बजे तक आएंगे और अभी 6:30 बज रहा है, तकरीबन आधा घंटा में वेट करना पड़ेगा यार। कोई कैसा है जी? सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं तो नहा के नाश्ता वाश्ता सब कर लिया। अब ये देखो ये कैसे ब्रश कर रही है, कहाँ पे वॉश बेसिन पे बैठ गई, किचन के ऊपर वॉश बेसिन पे बैठ के ये ब्रश कर रही है। ये देखो कैसे खुश हो रही है, देखो कैसे ब्रश करते बताओ। रोज ब्रश करना चाहिए ना, रोज करना चाहिए ना। सबसे लेट सोती है, सबसे लेट उठती है, इसको तो समझ में नहीं आता है, इसको एक दिन ऐसे करना पड़ेगा। कल इसको बहुत पड़ी है ना, कल मार पड़ी है ना। हाँ अरे ये तो गिर रहा है, इसको तो पूरा साफ करो, कितना गंदा लग रहा है। वाह ची, ये इनको तो फ्रेंड्स हमने नाश्ता कर लिया, हम लोग मैं जा रहा हूँ नीचे फिश लाने। अब पता नहीं फिश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लेट हो चुका है। फिर भी मैं मार्केट चलता हूँ और देखते फिश मिल जाएगा तो अच्छा है। फ्रेंड्स ये बिल्डिंग की एक पार्किंग है और इसके अंदर हम लोग आए हैं कैरम लेने, वॉचमैन से बात करके ये कैरम लेके जा रहे हैं। चैम्पियन कैरम है और बहुत ही अच्छा है, बट जब अंदर जाके हमने चेक किया तो ये ख़राब हो चुका था बारिश के वजह से। पूरा मतलब उसका जो प्लेइंग साइड जो बोर्ड है वो पूरा फुगा हुआ था, तो कोई मतलब का नहीं था, सिर्फ टाइम पास हो जाता। तो हमने इसको बराबर चेक किया कि कुछ खेल सकते हैं क्या, बट पॉसिबल ही नहीं था। 2-3 जगह से बहुत ज़्यादा फुग गया था, वो आपको मैं दिखाता हूँ इसका पूरा फुगा हुआ। ये देखिए ये पूरा फुगा हुआ है और कैमरा एक्चुअली यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो क्लियर आ नहीं पाया। बट ये मतलब कैरम बहुत अच्छा है बट यूज़ नहीं होने की वजह से ख़राब हो चुका है, तो हम लोग ने वैसे ही छोड़ दिए और इसको छोड़ के ऐसे ही रिटर्न आ गए। कोई मतलब का नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैरम को मैंने छोड़ दिया, अब हम बाज़ार के लिए निकल गए हैं। फ्रेंड्स ये हम लोग आ गए फिश मार्केट, यहाँ पे हम लोग फिश लेंगे और ये अंदर चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। कौन सा मजे बेटा? मजे छोटा ही आता है, बड़ा आता है? बड़ा भी आता है, बहुत छोटा है। बड़ा अच्छा है, घर में कोई खाएगा नहीं खाएगा। अच्छी मार्केट, पूरा सन्नाटा है यार, अभी क्या करना है। मौसी मानदी कैसे दिए? 20 रुपये बाटा, 50 का 3 देते, 50 का 3। तो 100 रुपीज़ का हो गया ना। हाँ ये डालो और 50 का और दे दो, 50 का और दो। ये शाम तारा हो गया, थोड़ा और डालो ना। हाँ इसमें डालो। मौसी फ्रेंड्स समुंदर से बोट नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी समुद्र की मछली नहीं मिल रही अच्छी, जो भी है वो बर्फ़ में रखा हुआ है और ये सब मीठे पानी की मछली है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया, हम लोगों को जो चाहिए था वो समंदर की मछली थी बट वो मिला नहीं, मिला मगर बहुत कम मिला तो मज़ा ही नहीं आया, फिर भी हम लोग ने ले लिए। एक्चुअली ये बच्चों का फ़ोन है तो इसके अंदर जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है, बहुत जल्दी मतलब लो हो जाती है, तो बैटरी लाइफ इसकी ख़त्म है और बॉडी भी ख़राब है, तो उसको बॉडी और बैटरी दोनों चेंज करवाना है। तो मैं चल रहा हूँ उस मैकेनिक के पास, एक छोटी सी दुकान है मेरे फ्रेंड की है, उसने बोला है कि सस्ते में हो जाएगा, देखते यार जितना सस्ता हो सके, क्योंकि फ़ोन बहुत पुराना है तो सस्ते में काम पटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग नीचे उतरे, अब जा रहे हैं, रस्ते में बारिश आने वाली है तो छतरी के लिए रुके हुए हैं, एक बार छतरी आ जाएगी तो फिर हम लोग चलते हैं दुकान में और आपको दिखाते हैं कितने में क्या मिलेगा। फ्रेंड्स ये हमारा मोबाइल इधर है, मोबाइल यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आया है, 2-3 घंटे बाद हमको मिलेगा बनके इंशाल्लाह ताला। ठीक है अच्छा वाला बनाना, ये पहचान वाला मेरा दोस्त है, अच्छा वाला लगाओगे टकलू महाराज बहुत मारेंगे फिर। ठीक है चलो 2 घंटे के बाद हम आते हैं।
दो घंटे के बाद हमारा फ़ोन बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ काफ़ी पुराना हो गया ना उसकी चीज़ें सब, क्या क्वालिटी का नहीं मिलता है, क्या बात है भाई, सब मिल गया। वन प्लस 3D का कवर बहुत सही। फ्रेंड्स ये रॉयल HD इकबाल भाई का शॉप है जो कि मोबाइल के जो प्रोटेक्शन होते हैं और एसेसरीज होता है तो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है, आप यहाँ आ सकते हो, इनका नंबर है यहाँ पे। और इनके पास ग्लास जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये मेरे फ़ोन को खुद मेरे फ़ोन में खुद लगवा के दे रहे हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। ये ग्रैंड रोड के पास दिल्ली दरबार होटल है, उसके बाजू में ये जो मोबाइल का मॉल है उसके अंदर इनकी शॉप है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर। और इनका फ़ोन नंबर भी है वीडियो में, ये आप वीडियो से नंबर लेके इनको कॉल भी कर सकते हो और इनसे एड्रेस पूछ सकते हो। फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि मैं कहीं दुबई में आ गया हूँ। ये मॉल को देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के एसेसरीज़ का मॉल है, यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा लगता है कि मैं दुबई मॉल आ गया हूँ, इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन तरीके से बनाया है, बहुत मज़ा आया मैं अंदर जाके। फ्रेंड्स मोबाइल का जो भी काम था सब कुछ हो गया, बैटरी डाल दिया, कवर डाल दिया और स्क्रीन गार्ड भी डाल दिया, अब फ़ोन एकदम नया हो गया है। ठीक है अब मैं मॉल से बाहर आ गया हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ फ़ोन मेरा कैसा हो गया। बहुत ही मस्त हो गया, मतलब न्यू के जैसा हो गया। तकरीबन 1200 रुपये खर्चा है तो 1200 में फ़ोन पूरा नया हो गया, टेंशन फ्री। अब नया फ़ोन किसी को दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ही काम हो जाएगा माशाल्लाह। और ये जो अंकल है जिनके पास मैंने ग्लास लगवाया है उसका नंबर डालूंगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं, काम भी अच्छा कर देते अपना और सस्ता भी देते हैं और लगा के भी देते हैं। अपना ग्लास है, कवर है, दुनियादारी जितना भी फ़ोन का काम है इनके पास हो जाता है। तो अब अगर आप कभी आना चाहो तो यहाँ पे आओ, और एक नंबर है भाई, पूरा मॉल बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। फ्रेंड्स ये बैटरी हमने लगा लिया है इसमें, अब कितने देर में बाद खुलना इसको? आधा घंटे के बाद निकाल। फ्रेंड्स ये हमारा मोबाइल, पहले कैसा गंदा दिख रहा था, अब देखो कितना माशाल्लाह सही हो गया है। तो इसका हमने स्क्रीन गार्ड भी डलवा दिया, बैटरी भी डलवा दिया और तकरीबन 1300 रुपया खर्चा हुआ और ये देखिए नया बन गया। मेन इसमें बैटरी का इशू था, वो इशू हो गया सॉल्व, बैटरी भी डलवा दिया है और ये बटन्स भी नहीं चल रहे थे, ये वॉल्यूम के अप एंड डाउन और ये पावर लॉक बटन, ये सारा काम हो गया 1300 में। ये फैज़ जिस बहुत ही बीमार हो गया, इसको ज़्यादा फीवर आ गया है, हम लोग डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये फैज़ बीमार हो गया, एक्चुअली मैं दोपहर को इसको थोड़ा सा, इसकी तबीयत तो दोपहर से ख़राब थी बट मैं इसको लेके चला गया मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए, ज़बरदस्ती लेके गया, थोड़ी धूप थी ये नहीं जाना चाह रहा था बट लेके गया। उसके बाद जब वो घर आया रिटर्न, मैं नहीं आया इसके साथ, मैं लेट आया, जब ये रिटर्न घर आया तो उसको बुखार और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास लेके आए, 7:00 तक डॉक्टर आएगा, अभी 6:30 हो रहा है, हाफ एन आवर में वेट करने का है। और इसकी हालत हो गई है पंचर और ये गलत हो गया, मुझे इसको बाहर लेके जाना नहीं चाहिए था बट अभी कर क्या सकते हैं, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इस कुछ दिन पहले इसकी चाची बीमार हो गई थी, आज ये बीमार हो गया, मतलब नंबर से सब कोई यहाँ डॉक्टर के पास आ रहे हाजिरी देने के लिए। इसको जूस तो मतलब प्यास को बुखार है तो उसको लगाए प्यास, मैंने बोला कुछ चाहिए तो बोला ट्रॉफी के आना या कुछ जूस लेके आना, तो जूस है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए पता नहीं बट फिर भी मैं दे रहा हूँ और इसको अच्छा लग रहा तो मैं दे रहा हूँ। ओके तो ये ले इंजॉय कर। फ्रेंड्स ये देखिए दवाई लेके हम लोग आ गए, तो ये शाम की मतलब दो टाइम की दवाई खा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आराम, यहाँ पे देखिए मोबाइल चला रहा है, आराम कर रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है ये इसकी तबीयत अच्छी हो गई है माशाल्लाह। फ्रेंड्स आज सुबह हम लोग ने फिश लाए, उसके बाद में अपना मोबाइल भी बनवा लिया जो कि मोबाइल बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मोबाइल भी बन गया हमारा।
और अच्छे कंडीशन से बना ली, उसकी बैटरी भी चेंज की है, बॉडी भी बना दिए और स्क्रीन गार्ड ये सब सब लगा दिए और बहुत मतलब नया बन गया मेरा हमारा फ़ोन। और उसके बाद में यार शाम में फैज़ की तबीयत ख़राब हो गई, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अब दवाई ववाई लेने के बाद में उसकी तबीयत अच्छी हो गई है। ओके, और हम खाना वाना खा चुके हैं, अब आराम करने का वक्त है, तो वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।